अगर आपको 10th क्लास के अंदर समाज विज्ञान विषय के 10 से 15 नंबर पक्के करने बोर्ड एग्जाम के, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की काफी संभावना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप बता दूं कि आपको 114 नंबर तक के प्रश्न इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में बताए जा चुके हैं, तो आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। और आपको बाकी सब्जेक्ट के सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो और अपने भाई बहनों या दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो शुरू होगी प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, गांधी आरिवन समझौता कब हुआ? प्रश्न नंबर 16 है, बहुदेशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? इस प्रश्न नंबर 17 है, संघीय सरकार की एक विशेषता बताइए। इस प्रश्न नंबर 18 है, विविधता को समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका किस शासन व्यवस्था में है? इस प्रश्न नंबर 19 है, मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए? इस प्रश्न नंबर 20 है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? अब आगे लघुतात्मक प्रश्न शुरू होंगे, इनका थोड़ा आपको उत्तर थोड़ा बड़े में देना होता है। इसमें प्रश्न नंबर 21 है, बहुदेशीय परियोजना किसे कहते हैं? इसमें प्रश्न नंबर 22 है, सत्ता हेजदारी के कोई दो प्रकार बताइए। इसमें प्रश्न नंबर 23 है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसमें प्रश्न नंबर 24 है, क्या सामाजिक अंतर सभी देशों में विद्यमान है? समझाइए। इसमें प्रश्न नंबर 25 है, विकास की धारणीयता को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि मेरे बताए गए सभी प्रश्न आपको बोर्ड विषय देखने के जरूर मिलेंगे। इसमें आगे प्रश्न नंबर 25 है, विकास की धारणीयता को संक्षेप में समझाइए। इसमें प्रश्न नंबर 26 है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? इसमें प्रश्न नंबर 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? आगे है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 28 है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या उपाय किए? इसमें 18वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को विस्तार से समझाइए। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। और इसमें आगे प्रश्न नंबर 29 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? इसमें 18वां प्रश्न है, मृदा अपवर्धन किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्धन की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अच्छी तरह करके जरूर जाएं। आगे इसमें लास्ट प्रश्न है, नियमन को भारत के माध्यम से दर्शाइए। दांडी, पूना, सुंदर वन, राष्ट्रीय उद्यान, मानस बांध रिजर्व। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में जो बताए गए हैं उनको आप मानचित्र में दर्शाना है। दोस्तों, मानचित्र का एक प्रश्न 4 नंबर का या जरूर आएगा, तो आप उसे तैयार करके जरूर जाएं, ठीक है। दोस्तों, इन दोनों पार्ट में आपको वीडियो के मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए समाज विज्ञान के 10th क्लास के, तो आप इन्हें अच्छी तैयार करके जरूर जाएं, आपको काफ़ी क्वेश्चन इनमें देखने को मिल सकते हैं। और इनमें से नहीं आए तो अभी मैं आपको काफ़ी नई वीडियोस भी दूंगा सामाजिक विज्ञान की रिलेटेड, तो आप उन्हें भी चेकआउट जरूर करना। और आप बता दूँगा कि इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेक चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको टेक वीडियोज़ पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपने और अपना ख्याल रखिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।